और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप कोई सी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया सो आप ये जंग जीत जाओगे, मैं बता रहा हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे योर क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। दैट मींस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो और आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर आपका चेक कितने का आता है, सर आप इस बिजनेस में कितने टाइम से हो, सर ये बिजनेस वाकई मेरे लिए है कि नहीं, अगर आप उन सारे क्वेश्चंस का सीधे सीधे आंसर दे दोगे तो प्रोस्पेक्ट्स के सामने आपकी वैल्यू हो जाएगी कम। मैं बता रहा हूँ गाइस, प्रैक्टिकली एक्सपोजर वाली बात करी गई हुई है, प्रैक्टिकली हमने करके देख रखा है ये। अगर आप किसी को सीधे सीधे आंसर देते हो ना, सामने वाला आपकी वैल्यू कम कर देता है। चाहे आप उसको ये बोल दो कि मुझे 5 लाख का चेक आता है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सीधा आंसर दे दिया। देखो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो ना, यू शुड बी अ स्मार्ट मार्केटर। आपको इतने अच्छे से मार्केट समझ में आनी चाहिए सो दैट आप ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझ पाओगे, सामने वाले बंदा हमसे चाहता क्या है। ठीक है, आज अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि सर आपका कितने का चेक आता है, मैं उसे डायरेक्ट एक चीज पूछता हूँ कि आपने क्या किया हुआ है। वो कहता है कि सर मैं इंजीनियरिंग की हुई है। मैंने कहा ओ आपने इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, आप बहुत अच्छे से समझोगे। फिर मैं उसको समझाता हूँ। पहला दिन समझो जब आप अपने कॉलेज गए होंगे अपना एडमिशन कराने के लिए, ठीक है, आप एडमिशन सेल में बैठे होंगे। वो कहता है हाँ जी सर बैठा था। एक फैकल्टी आई होगी आपके सामने, एक प्रोफेसर आए होंगे आपके सामने, ये हाँ जी आए होंगे, आपने उन्होंने आपका फॉर्म वगैरह सब भरवाया होगा, ये हाँ जी भरवाया था। क्या आपने कभी उनसे पूछा था कि सर आपकी कितनी सैलरी है? वो सोचेगा नहीं मैंने तो नहीं पूछा, फिर आप यहाँ क्यों पूछ रहे हो? देखो आपके आपकी प्रोफेसर की क्या सैलरी थी उससे आपका कोई मतलब नहीं है। शायद वो 50,000 ही कमाता और आप 1 लाख रुपए का मतलब पैकेज लेके जा रहे हो वहां से, आप 12 लाख का पैकेज लेके जा रहे हो वहां से, 1 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी ले उठाओ उस कॉलेज से, हो सकता है ना। सो आपकी सैलरी उनकी सैलरी से तो कोई मतलब है ही नहीं कहीं भी, ठीक है। सो इस तरह के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, आप इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, स्टोरीज की फॉर्म में एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन सीधा आंसर नहीं देना है, क्योंकि इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस योर क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। जितने ज्यादा आप स्मार्ट क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर देने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूं कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, रिवर्स क्वेश्चन उस पर पूछ लो, वही आपका आंसर होगा। योर क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, इस बात को गांठ मान लो कहीं, ठीक है, कहीं लिख लो। अगर आप भूल जाते हो बार बार या कोई भी पूछता है, आप एक्साइटमेंट फटाफट बता देते हो। कोई मेरे से पूछता है कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, अरे फटाफट बता दो यार मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हूं, मैं वेस्टेज में हूं, मैं मोदी केयर में हूं, या फिर मैं एक्स वाई जेड कंपनी में हूं। नहीं बताना है उससे, पूछो क्यों पूछ रहे हो आप ये क्वेश्चन, या फिर आप कौन सी कंपनी ढूंढ रहे हो, या आप कौन सी कंपनी में इंटरेस्टेड हो। योर क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, योर क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। जितने ज्यादा स्मार्ट क्वेश्चन आप पूछोगे आपको आंसर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूं उसके क्वेश्चन में उसको एक क्वेश्चन पूछ लो, उसको ही आंसर देने दो, बस आप एक ऐसा इंटरव्यूअर की तरह क्वेश्चन पूछते रहो। लेकिन क्वेश्चन स्मार्ट होने चाहिए और ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए वो इरिटेट ना हो जाए, आप पता नहीं कुछ भी मत पूछ लेना वहां पे। एक स्मार्ट नेटवर्कर की तरह काम करना एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट इन दिस बिजनेस, बिकॉज मुझे आया है, मेरी टीम को आया है और आपको भी आना मैंडेटरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया है ना इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखना, लिटरली आपको भी मजा आएगा और आपका कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आई एम 100% श्योर। एंड एट द एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।